गुड मॉर्निंग एक्सेल टेक्निकल क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों के कहने से आज हम ईडी के सेकंड के लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, एक ट्यूबवेल है जो कि 10 हार्स पावर 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट होना है, और इस ट्यूबवेल को जहाँ पे स्थापित करना है और जहाँ से तार को लेके आना है इसको कनेक्शन देने के लिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। क्वेश्चन में इतना दिया है और कह रहा है कि इसका वायरिंग डायग्राम बनाइए और उसके लिए इस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका वायरिंग डायग्राम कैसा होगा। तो ये आप लोग देख रहे हैं, इसका ये वायरिंग डायग्राम है जिसमें से 3 फेज हैं, RYB एक न्यूट्रल है, एक अर्थ वायर है, ये GI पाइप है, ठीक है, इसके अंदर एक केबल है, ठीक है, और इसको इस केबल के माध्यम से हमको कहाँ ट्यूबवेल के मीटर बोर्ड तक ले जाना है। और यहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर लगाए हैं, और ये क्लैंप है, ये जो अर्थ वायर के लिए लगा हुआ है अर्थ क्लैंप कह सकते हैं या आई बोल्ट कह सकते हैं इसको, और यहाँ से हमने एक स्टे वायर लिया है, इसे कहते हैं स्टे इंसुलेटर। क्या कहते हैं इसको? स्टे इंसुलेटर कहते हैं इसको। ये है इसका सिंपल सा डायग्राम। अब देखना है एक चीज़ है, यहाँ पे हमने एक व्हील इंसुलेटर लगाया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 मीटर है, मतलब जहाँ से यहाँ तक ले आना है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 60 मीटर है। और अब देखते हैं इसके इस्टीमेटिंग और कास्टिंग के लिए। अब इसकी इस्टीमेटिंग और कास्टिंग के लिए हम देखते हैं तो क्या होगा, इसको इसकी इस्टीमेटिंग और कास्टिंग को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग क्या होगा कि जो हमारी विभागीय लाइन आएगी यहाँ पे जो भी लाइन आएगी, यहाँ तक मान लो लाइन आई हुई है, हमको यहाँ से लाइन ला के यहाँ इस पोल तक और इस ट्यूबवेल को चलाना है। तो पहला होगा विभागीय लाइन, जहाँ से हमको लाइन को इस लाइन से इस लाइन तक लेके आना है, और दूसरा बात करेंगे यहाँ के लाइन से इसको यहाँ तक लाने के लिए। तो एक पोल हमारा यहाँ उपस्थित होगा और दूसरा पोल हमारा ये होगा। तो इस पोल की बात ना करते हुए अभी हम इस पोल की बात करेंगे जो यहाँ पे हमारा विभागीय लाइन का पोल है, यहाँ से हमको लाइन लेके यहाँ तक आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पोल की बात करेंगे। अगर मान लें यहाँ पे एक पोल होगा, तो एक पोल होगा तो इसमें अगर 4 वायर आए हुए हैं तो 4 इंसुलेटर लगेंगे ईएलटी के, ईएलटी साइकिल इंसुलेटर 4 लगेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारा क्या लगा है, क्लैंप लगा है, यहाँ भी क्लैंप लगेगा, ठीक है, स्टे वायर लगा है, यहाँ भी स्टे वायर लगेगा, ठीक है। हाँ, जो GI पाइप है यहाँ पे GI पाइप नहीं होगा, यहाँ पे एक पोल होगा, उसको जाम किया गया रहेगा, ठीक है, और वहाँ से लाइन को यहाँ तक लेके आना है। तो हम इसकी इस्टीमेटिंग कास्टिंग में एक भाग ये बनाएंगे, दूसरा भाग ये बनाएंगे, दो भाग हो गए। एक भाग यहाँ पे जो हमारा पोल है उस पोल पे लाइन आ रही है, वहाँ से यहाँ लाइन आएगी, तो यहाँ पे क्लैंप लगेगा, इंसुलेटर लगेगा, जंपिंग वायर लगेगा, ये सब चीज़ें की नोट करेंगे। और दूसरा यहाँ पे जो पहले से GI वायर है, जस्टिक विद, जो लोहे का हमारा पाइप है, तो इसमें क्या क्या लगा है उसके बारे में बात करेंगे। तो दो भाग ये हो गए। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कि हमारा जो मीटर बोर्ड लगा हुआ है उसकी बात करेंगे, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाले तार की, यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाले तार की बात करेंगे। और उसके बाद हम इसमें उसके बाद यहाँ पे लगे हुए फ्यूज की बात करेंगे, फिर मीटर बोर्ड में फिर लगने वाले एनर्जी मीटर की बात करेंगे, इन सब चीज़ों को लेके हम चलेंगे। तो आओ देखते हैं हम इसकी इस्टीमेटिंग एंड कास्टिंग। सबसे पहले इस्टीमेटिंग एंड कास्टिंग में हम ये इस वाले पोल की बात करेंगे जो यहाँ पे पोल लगा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ का पोल लगा हुआ क्या क्या होगा, तो आते हैं देखते हैं हम इस्टीमेटिंग एंड कास्टिंग में। तो आप लोग 4-5 कॉलम बना लीजिएगा। सीबीएल नंबर, सामग्री का विवरण है, मात्रा है, दर है, मूल्य है। दर में एक सामान कितने का मिलेगा और कितने मात्रा है उससे गुणा करने पर टोटल मूल्य आ जाएगा उसका।
तो सबसे पहले हम क्या लिखें, देखो पहले पोल से विभागीय लाइन को जोड़ना, हमें बताया था ना पहले आगे एक पोल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं वो हम देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है पोल तो भैया पहले से लगा ही रहेगा, ठीक है। अब अगर वहाँ से लाइन हमको और किसी तरफ ले जानी है तो जाहिर सी बात है हमको स्टे वायर चाहिए, और अगर मान लो पोल लगा है तो उसके दूसरी साइड में हमको क्या लगाना होगा, यल्टी साइकिल इंसुलेटर लगाना होगा, ठीक है। और उस इंसुलेटर को फिक्स करने के लिए हमें क्लैंप की आवश्यकता होगी, जितने इंसुलेटर होंगे उतने क्लैंप होंगे। और उसके बाद अर्थ वायर क्लैंप चाहिए हमें, जो एक ऊपर जो मैंने बताया था ऊपर जो लाइन गई है, उसके बाद एक स्टे वायर चाहिए। अब भाई विभागीय लाइन यहाँ पे आई है और उसके आगे लाइन लेके जाना है तो जम्पर वायर द्वारा जोड़ के उसको आगे लेके जाया जाएगा। तो जम्पर वायर की कोई क्वांटिटी नहीं लिखी है मैंने। तो भाई जो साइकिल इंसुलेटर है वो 4 लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो सबसे ऊपर अर्थ वायर है उसके लिए मैंने एक क्लैंप अलग से लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसको। एक सबसे ऊपर दिखाते हैं हम आपको, ये फिगर देखिए, जो सबसे ऊपर का अर्थ वायर है इसके लिए अर्थ क्लैंप मैंने अलग से लिखा है। हम बाकी इन चारों की बात कर रहे हैं, आर वाई बी और न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्या लगेगा, तो उसके लिए हमने बता दिया क्या लगेगा, 4 साइकिल इंसुलेटर लगेंगे और क्लैंप के साथ। तो 4 इंसुलेटर 4 क्लैंप हो गया, और अर्थ वायर क्लैंप जो सबसे ऊपर लगा है एक वो हो जाएगा, एक स्टे वायर हो जाएगा, एक जम्पर वायर हो जाएगा। अब अगर एक साइकिल इंसुलेटर लेने जाते हैं, देखो यहाँ पे जो मूल्य लिखा जाता है ये सरकारी मूल्य लिखा जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सरकारी होती हैं, निजी नहीं खरीदनी होती है हमें, तो सरकार को द्वारा कुछ छूट मिलती है, तो जो हमको खरीद जितनी पड़ती है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। वैसे खरीदने जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन सरकार के द्वारा हमको अगर अपने ट्यूबवेल के लिए लाना है होता है तो वहाँ से हमको पास करवाना होता है, जिसके द्वारा हमें बहुत सारी छूट मिलती है, तो उसके आधार पर इसको बनाया जाता है। तो यल्टी जो इंसुलेटर होगा एक जो मिलेगा हमें 50 रुपये का मिलेगा, 4 लगा है 200 रुपये का हो जाएगा। उसके बाद 4 क्लैंप होगा, तो क्लैंप जितने का इंसुलेटर उतने का ही क्लैंप, तो ये हो गया अर्थ वायर क्लैंप 50 रुपये का एक, स्टे वायर हो गया 500 रुपये का एक, क्योंकि तो स्टे वायर में अब देखो स्टे वायर में हमने 500 रुपये क्यों लिख दिया है, आप लोग सोचेंगे स्टे वायर इतना महंगा क्यों, वायर है भाई, यहाँ पे वायर हमको नहीं देखना है, स्टे वायर में भाई बीच में देखोगे तो स्टे इंसुलेटर भी लगा होता है, तो हमने स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर भी ऐड कर दिया है, तब इसका दाम मैं 500 लिखा हूँ यहाँ पे। फिर जम्पर वायर है 100 रुपये का, तार ले लो काट काट के जम्पर वायर बना लो। अब आते हैं हम दूसरे भाग की ओर अपने, जो हमारा जस्टिकृत लोहे का पाइप है, देख लो। अब हम आएंगे अपने इस वाले भाग की तरफ, अब इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारी लगी हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसके बारे में देखने के लिए देखो इसमें भाई यल्टी साइकिल इंसुलेटर लगेगा, क्लैंप लगेगा, ऊपर बता ही चुके हैं इन सब का दाम कैसे है। अब इसमें देखो जीआई पाइप को रोकने के लिए क्लैंप लगेगा, भाई जीआई पाइप जहाँ पे हम खड़ा करेंगे उसके लिए भी क्लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, हैं तो उसको रोकेंगे उसके लिए क्लैंप लगाए हैं। देखो कहाँ पर लगाए हैं 3 क्लैंप, हम दिखा देते हैं आपको फिगर में, ये है आपके सामने, ये है तीनों क्लैंप जो जीआई वायर को रोकने के लिए हमने लगाया है, ये क्या है हमारे 3 क्लैंप हैं, तो इसी की बात हम कर रहे हैं। और अभी हम छोटा बैंड और बड़ा बैंड की बात करेंगे भाई साहब, छोटा बैंड और बड़ा बैंड क्या होता है, तो ये जो हमारा दीवाल होती है, ये जो हमारी दीवाल है, इस दीवाल के अंदर इसको लाने के लिए क्या लगता है, बैंड लगता है, ठीक है। तो छोटा बैंड और बड़ा बैंड तो 2 लगेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी भी बात किया जीआई पाइप को रोकने के लिए क्लैंप, हमने दिखाया 3 क्लैंप कहाँ लगे हैं, एक क्लैंप 50 रुपये का मिलता है, तो 3 क्लैंप 150 रुपये का हो जाएगा। अगला आता है रैग बोल्ट, अब भाई जो क्लैंप लगाओगे उसे कसने के लिए बोल्ट भी चाहिए, उसे रैग बोल्ट बोलते हैं। एक क्लैंप को कसने के लिए 2 बोल्ट की आवश्यकता होती है, तो 3 क्लैंप को कसने के लिए 6 बोल्ट की आवश्यकता होगी। यहाँ से एक बोल्ट का दाम 6 10 रुपये है, तो 60 रुपये हो जाएगा। अब मैंने बताया जीआई पाइप, अब जो जीआई पाइप हमने जो जाम कर दिया है, अब उसको हम दीवार के अंदर लेके जाना है, तो पाइप को दीवार के अंदर ले नहीं जा पाएंगे, तो पाइप को दीवार के अंदर ले जाने के लिए छोटा बैंड बड़ा बैंड। अब भाई छोटा बैंड कहाँ लगेगा, बड़ा बैंड कहाँ लगेगा, ये भी हम दिखा देते हैं आपको। ये है उसके पाइप में लगने वाला बैंड, ठीक है ना, ये जो आएगा ये वाला बड़ा बैंड है, ये क्या है, बड़ा बैंड है। इसके अंदर जो तार आ रहा है उसको भी किसी के माध्यम से ला के इसमें दिया जाएगा, तो वो छोटा बैंड का लाएगा। इसके अंदर होता है एक छोटा बैंड, ये है एक बड़ा बैंड। तो आप लोग देखिएगा छोटा बैंड हो गया, ये बड़ा बैंड हो गया। तो छोटा बैंड जो मिलेगा वो 100, वो 200 रुपये का एक, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा गलत लिख रखा है, क्योंकि बड़ा बैंड महंगा होता है और छोटा बैंड सस्ता होता है। तो ये 100 रुपये का होगा, ये 200 रुपये का होगा, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ये होगा 100 रुपये का, ये होगा 200 रुपये का, इससे इस्टीमेटिंग कास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आएगा एसीसी वायर, आल एल्युमिनियम कंडक्टर वायर,
ये देखो 3/3 mm का लिए हैं हम वायर। अब देखो 3/3 mm का हम लिए क्यों हैं ये भी देख लेते हैं हम, और हमारी ये लंबाई जो आती है ये कैसे आई है इसको भी मैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि जो ये सप्लाई आ रही है उसका जो पावर फैक्टर 0.8 है, उसकी इफिशियंसी जो है 85% है। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना करंट के हम जो GI वायर जो इसके अंदर देखो ये जो हम वायर लेके आए हैं कितने मान का लेके आएंगे वो किस पर डिपेंड करता है भाई, करंट पर डिपेंड करता है। उसके लिए हमको करंट निकालना होता है। तो हम क्या जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या होता है हमारा, इस अगर इफिशियंसी को यहाँ लेके आएँ तो हम जान लेते हैं क्या होता है आउटपुट अपॉन √3 VI cos φ। हाँ तो यहाँ पे हमारा मान लो HP है जितना है मोटर का, तो यहाँ से आई को हम यहाँ लेके चले आए तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। तो कितना हाथ पावर दिया था 10 हाथ पावर, उसको चेंज कर लिया हमने VA में, इसने गुणा कर लिया हमने, हल कर लिया, पूरा हल करने पर हमारा आया 15.2 इतना। तो इतने एम्पियर करंट, इतना क्या अगर हमको 16 एम्पियर तक की करंट को अगर हमको एंटर कराना है तो उसके लिए हमें ACC जो वायर होगा 3/3 mm का चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग। अब बात आई क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा पोल से इसकी डिस्टेंस 60 मीटर है। तो भाई अगर पोल से डिस्टेंस 60 मीटर है कितने वायर लेके आ रहे हो, आर वाई बी न्यूट्रल, 4 वायर लेके आ रहे हो। तो अब वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 60 × 4 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 मीटर हो जाएगा। अब क्या जो यहाँ से यहाँ तक लेकर वो सीधे एकदम तना ही रहेगा, भैया कुछ ना कुछ सैग भी तो होगा इसमें। उस सैग का मान मान लेते हैं इतने का 1% सैग है, इतने का 1% निकाल लो तुम लोग कितना आ जाएगा 2.4 सैग कितना हो जाएगा टोटल। तो अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 242.4 मीटर। अब भैया 242.4 मीटर लाने से क्या मतलब है, सीधे सीधे हम कितना ले लेते हैं अब 243 मीटर, मतलब टोटल तार की लंबाई कितनी हो गई 243 मीटर। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे टोटल तार की लंबाई कितना ले लिया है 243 मीटर, 1% सैग है हमारा यहाँ पे। तो भैया अगर 243 मीटर तार है तो 1 मीटर तार की लंबाई 50 रुपये, क्योंकि भैया तार कितने बाई कितने का है 3/3 mm का है, तो कितने पड़ जाएगा आप गुणा कर लीजिएगा। आते हैं अर्थ वायर की बात करते हैं भैया। अब जो इसमें अर्थ वायर होगा 7 के 16 SWG का लगेगा, 6 किलोग्राम लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की अर्थिंग कर रहे हैं। तो 6 किलोग्राम लगेगा, 50 रुपये 1 किलोग्राम तार का दाम है, तो गुणा कर लीजिए। अब आ जाते हैं मीटर बोर्ड के पास भैया, मीटर बोर्ड लगाएंगे। अभी हम एनर्जी मीटर नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ हम मीटर बोर्ड लगा रहे हैं। मीटर के लिए एक बोर्ड लगाएंगे, उसके अंदर फिट करेंगे एक, तो वो आएगा 200 रुपये का। और उस बोर्ड को फिट करने के लिए 4 बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका भी दाम मैंने जोड़ लिया है। अब लगाते हैं एनर्जी मीटर, ला के उसमें फिट कर देते हैं एनर्जी मीटर को। तो एक एनर्जी मीटर जो आता है भैया सरकारी दाम जो है उसका 5,000 रुपये है। उसके बाद आता है किटकैट फ्यूज, हमने दिखाया था कहाँ पे लगा हुआ है, फिर से दिखा देते हैं। ये लगा हुआ है हमारा फ्यूज, देख लीजिए ये न्यूट्रल है इसलिए इसमें फ्यूज नहीं लगाए हैं। तो ये हो गया 3 किटकैट फ्यूज, एक मिलता है 100 रुपये का, 3 हो गया 300 का। अगला जाते हैं जस्टिक विथ लोहे का पाइप, जो भैया पाइप लगाए थे उसका ब्याज जो है 50 mm का है। वो तो कितना मीटर लंबा है, 5 मीटर लंबा है, 1 मीटर का दाम 200 रुपये है, तो 5 मीटर का दाम 1,000 रुपये, 1,000 रुपये तुम्हारी वो जो पाइप लगी हो पाइप हो जाएगी। अब आगे आ जाते हैं भैया, उस पाइप को उसको जाम करने के लिए जो उधर लगाए हैं भैया हम, उसको क्या कहते हैं खम्भे को जाम करने के लिए क्या लगेगा, सीमेंट रेत 1:4:8 के अनुपात में। तो उसका टोटल खर्चा हम जोड़ लिए, मान लीजिए 500, इसको तुमको अपने आप से मानना है यार, 500 मान लो, 400 मान लो, 300 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इतना भी कम मत मानना उतने में कोई सामान ही ना आए। अब धुलाई प्रभार जो उस काम को ये सब सामान जो लेके आएगा फिर भी मैं तो ला के तुम्हारे घर दे नहीं जाएगा कि लो भैया बना लो, उसका भी प्रभाव जोड़ लो खर्चा। उसके बाद रील इंसुलेटर है, गलत लिखा है, रोल इंसुलेटर क्या है, रील इंसुलेटर है, ये कहाँ लगा है दिखा देते, तो आप देख पा रहे होंगे तो ये है फिगर में रील इंसुलेटर, इसका भी दाम जुड़ेगा। ये है रील इंसुलेटर 200 रुपये का। अब श्रमिक प्रभाव, जो मजदूर इसमें काम करेगा इतने दिन उसका खर्चा हमने जोड़ लिया है 3,000 रुपये, 2,000 जोड़ लो, 1,000 जोड़ लो, लेकिन इतना भी कम मत जोड़ना यार खर्चा न निकले। अगर मान लो ये सारे काम करने में अगर वो 3 या 4 दिन लगाएगा और 3 आदमी हैं कम से कम इतना पहुँच ही जाएगा, हमने अपने हिसाब से इसको जोड़ लिया है। आकस्मिक व्यय, अब आप पूरा टोटल यहाँ तक हिसाब कर लीजिए और उसका 10% आप निकालिए तो इतना आएगा।
अब इसको मैंने सारे को जोड़ दिया है, कितना आ रहा है, ये हमारा हो गया पूरा आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई और समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।